So yeah, very good morning everyone. This is your first lecture in chemical coordination in plant. कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में खत्म कर दें. ओके, कुछ इतना ज्यादा है नहीं, बस पांच आपके हॉर्मोन्स हैं और पांच आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेने से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जैसे कि व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स. जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं. ठीक है, हम जो है जनरली क्या होता है, हॉर्मोन्स के हिसाब से ही सब कुछ करते हैं. राइट, जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में आता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. तो वैसे प्लांट्स में भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं. ठीक है, जो उनका जो मूवमेंट, वो बेचारे तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना, हम तो मूवमेंट कर लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स कभी इधर से उधर नहीं जा पाते. जाएंगे क्या, उनका मन के हिसाब से थोड़ी ना होगा वो. हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा तीन चीज कर सकते हैं, वो ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, या फिर इलोंगेट कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं. ओके, तो वही सेम जगह में रह के वो अपने आप में ट्विस्ट हो सकते हैं, अपने आप में वो क्या है, कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा सकते हैं, बेंड हो सकते हैं. ठीक है, और तीसरा है वो बढ़ सकते हैं, इलोंगेट हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते, मूवमेंट और ज्यादा मूवमेंट वो नहीं दिखा पाएंगे. ठीक है, द अबव मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ प्लांट. ये तीन चीज भी, ट्विस्ट, बेंड और इलोंगेट, वो क्या है, अपने से करते नहीं है, बाहर में अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इफेक्ट कर रहे हैं या अंदर से कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, तब ये चीज देखने को मिलता है. ओके, नहीं तो प्लांट जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. अगर उनके बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं या इनसाइड उनके जो है कंटेंट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो बेंड, ट्विस्ट या फिर इलोंगेट करते हैं. स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज. ठीक है, तो हमें पता है कि टच जो भी होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुली. और जिस ये स्टिमुली को हम कैसा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आवर रेस्पॉन्स है, कि नहीं. तो स्टिमुलस यहां पर क्या है, वो एक ऐसा चीज है दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज. ठीक है, तो नॉर्मली कोई ये चीज है, जैसे आपको टच किया या मैंने कुछ किया, ओके, तो दैट विल इनहांस, दैट विल इंक्रीज योर फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंज. राइट, हाँ, आप ये सपोज आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसने मुझे चेंज किया, मतलब टच किया है, और आप जो है उस बेसिस में क्या करोगे, अपना एक बिहेवियर दिखाओगे उसको. ठीक है, राइट, तो वो जो आप बिहेवियर दिखा रहे हो उसको, ठीक है, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स. ओके, तो प्लांट भी वही है, द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस स्टिमुली, इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल, कैन बी इंटरनल. द एक्शन और मूवमेंट कॉज्ड बाय द स्टिमुली आर कॉल्ड रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स क्या होता है, ये स्टिमुली को देख के, ठीक है, ये स्टिमुली को फील करके आपने जो रिस्पॉन्ड दिया है, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स. ओके, प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो प्लांट क्या होता, प्लांट क्या करता है, जो भी है, ठीक है, ये स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना, जो भी प्लांट को टच कर रहा है, तो प्लांट उसको क्या करता है, कुछ जो है मूवमेंट दिखाता है ना आपके टच के वजह से. तो जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, ओके, नाम में ही बोला गया है कि मेरे को मत छूना करके, तब भी अगर आप उसको छूते हो तो वो क्या करता है, विल्ट हो जाता है. ठीक है, मतलब मुरझा जाता है, पहले से बोला हुआ है उसने, अपने नाम में डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि टच मी नॉट भूल के, ठीक है, फिर भी आप उसको टच करते हो तो क्या होगा, वो मुरझा जाता है, उसके जो लीव्स होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. ठीक है, बंद हो जाते हैं, तो वो चीज है. तो वो जो बैंड हुआ या जो भी अपने आप में वो क्या हुआ, ढक लिया अपने आप को, दैट इज व्हाट रेस्पॉन्ड. ठीक है, दैट इज उन्होंने जो है, ये प्लांट ने क्या किया, एक रेस्पॉन्स दिया आपके टच के वजह से. वैसे सारे के सारे प्लांट्स जो है कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड देते हैं. ठीक है, ये तो मैंने टच किया, कोई कोई प्लांट क्या है, बिना टच किए भी रेस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, सन हो गया, ओके, सन सन का डायरेक्शन के हिसाब से सनफ्लावर का डायरेक्शन भी होता है कि नहीं, पढ़ेंगे हम लोग. ये भी एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, किसका, सनफ्लावर का, एक अलग प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट है. ओके, जो सिर्फ सनफ्लावर ही दिखा सकता है, कोई और फ्लावर्स नहीं दिखा रहा है. ठीक है, कोई केमिकल के पीछे अपना ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है. ठीक है, कोई जो है आपके वाटर के हिसाब से होता है, कोई जो है आपका
लाइट के हिसाब से होता है। तो ये सब ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है इन प्लांट, ओके, ठीक है। तो हॉर्मोन एक्ट एज एन केमिकल मैसेंजर इन प्लांट। तो प्लांट में जैसे हमारे बॉडी में भी एक ही जगह में हार्मोन रिलीज होता है और फिर ये हार्मोन को क्या किया जाता है, बाकी बॉडीज में ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वैसे प्लांट में भी एक ही जगह में जो है हार्मोन्स बनता है और ये हार्मोन्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके हिसाब से, ओके। एंड द मेन एरिया ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स आर मेरिस्टम्स, ठीक है। तो ये जो प्लांट का जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो कहां पर होता है, मेरिस्टम्स में होता है, ठीक है, मतलब एपेक्स में, टिप्स में, रूट के टिप हो गया, शूट के टिप हो गया, ठीक है। सपोज एक पेड़ है, सोच लीजिए, ठीक है, तो ये वाला एरिया इसको बोलते हैं शूट, राइट, और जो नीचे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रूट। ये दो चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसमें पूरा चैप्टर ये दो चीज के ऊपर ही डिपेंड है, शूट और रूट, ओके, कैसे है देखते हैं आगे। फिर द टर्म हार्मोन वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम बेलीस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग इन 1902। तो हार्मोन्स के बारे में बताया किसने, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर काम करते थे जब भी करते थे, ठीक है, विलियम बेलीस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग, ओके। तो दोनों जो है 1902 में आए और उन्होंने हार्मोन्स के बारे में बताया, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स फिर क्या है वो आगे पता चला। हार्मोन्स का नाम जो है, हार्मोन जो है नाम दिया गया कहां से, कौन दिया उनको नाम, विलियम बेलीस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग, ठीक है। फिर प्लांट हार्मोन वाज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनिमल हार्मोन। तो जनरली हम लोग सिर्फ हार्मोन बोले तो क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं या एनिमल्स के हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक प्लांट के हार्मोन्स को एक अलग नाम दे दिया गया था, दैट इज फाइटो हार्मोन्स। तो अगर आप फाइटो हार्मोन्स बोल रहे हो तो सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में ही बात कर रहे हो करके। तो उनको एक अलग से नाम दे दिया गया था फाइटो हार्मोन्स बोल के, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स। वैसे ये चैप्टर में हम पांच हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, खास करके ये पांच का क्या पढ़ेंगे हम लोग, लोकेशन कहां पर मिलता है और उसका फंक्शन, ठीक है, ये दो चीज ही जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स के कितने हैं, पांच है, ओके, क्या क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथिलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ABA बोल के जाना जाता है। तो ये चार हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथिलिन और एब्सिसिक एसिड, ये पांच हार्मोन्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। कोई कोई ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, कोई कोई ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो कोई ग्रोथ स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है, और कोई ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ओके, इनहिबिट्स करता है उसको, बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है, रोक लेते हैं। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं, ओके। तो ये पांच हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन देखिएगा, वो एक ग्रीक वर्ड से आया था, ठीक है, और जिसका नाम, जिसका मत अर्थ क्या था ऑक्सिन का, टू ग्रो, ठीक है, ग्रीक वर्ड में आया था, ओके, जिसका नाम है, जिसका मीनिंग था टू ग्रो। कौन सा ग्रीक वर्ड, ये नाम था ऑक्सिन, ओके। तो वहीं से जो है वो वर्ड आया था, ओके, और इसका मतलब क्या है, टू ग्रो, ओके। और उसको कॉइन कौन किया था, FW वेंट इन 1928, ठीक है, 1902 में हार्मोन नाम आया था, ठीक है, और ऑक्सिन का नाम जो है, ऑक्सिन कौन दिया, FW वेंट ने दिया था, ठीक है, 1928 में, कुछ साल बाद जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। और वो जो है सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन माना जाता है, इट वॉज द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट, ठीक है, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट में डिस्कवर हुआ था वो कौन था, ऑक्सिन, ओके। एंड ऑक्सिन आर पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट, ठीक है, भयंकर, ठीक है, अगर कहीं पर भी ऑक्सिन है तो भयंकर अमाउंट से वो क्या करता है, वो एरिया बढ़ता है, ठीक है, ग्रो करता है, दे आर ग्रोथ स्टिमुलेंट्स, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ग्रोथ में सपोर्ट करता है, ठीक है। कहीं पर भी एक कोने में सपोज ऑक्सिन का मात्रा है, यहां पर बहुत ज्यादा है, तो ये जो है
थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, उसका ग्रोथ हो जाता है वो एरिया का, ठीक है। तो जहां जहां पर ऑक्सिन के जो है कंटेंट ज्यादा है, वो हार्मोन्स के कंटेंट ज्यादा है, वहां वहां पर आपको ग्रोथ नजर आएगा, ठीक है। तो कहां पर आपको मिलता है वो ऑक्सिन? इन हायर प्लांट्स दे आर प्रेजेंट मोर इन एक्टिवली ग्रोइंग रीजन, ठीक है, जहां पर आपको पता है कि हाँ यहां से प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, जैसे कि आपका सूट एपेक्स, रूट एपेक्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है, वहां पर ज्यादातर ये ऑक्सिन पाया जाता है, ठीक है। तीन एरिया आपको याद रखना है, कौन कौन सा? सूट एपेक्स, फिर रूट एपेक्स, और तीसरा कहां पर है? लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स, ये है लोकेशन। मैं बार बार यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सूट एपेक्स, रूट एपेक्स और लेटरल मेरिस्टेम्स, ओके। और फिर IAA इज अ मेन नेचुरल ऑक्सिन फाउंड इन प्लांट। अगर एग्जांपल देखें तो ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? IAA, IAA मतलब क्या? इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, ये एग्जांपल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जांपल्स, ठीक है, लेकिन याद रख लीजिएगा कि ऑक्सिन सबसे नेचुरल ऑक्सिन हमारे प्लांट में क्या पाया जाता है? IAA, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। इसका पहले आप एक बेंजीन रिंग बना दीजिएगा, ओके, और फिर इस तरीके से आपका एसिटिक एसिड लग जाएगा, ओके। तो ये है आपका जो स्ट्रक्चर, ओके, IUPAC स्ट्रक्चर, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो ये जस्ट ज्ञान के लिए है, वैसा कुछ नहीं, ओके। फिर देखिएगा फंक्शन, ये बहुत जरूरी है, ऑक्सिन का फंक्शंस क्या क्या है। पहला है तो ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, वो तो हम जानते ही हैं कि ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ इनहेंस करता है, कहां कहां पर भी है वहां वहां पर ग्रोथ अच्छे से होता है प्लांट का, ठीक है, दे आर वेरी ग्रोथ स्टिमुलेंट हॉर्मोन्स, ओके। तो स्टेम का ग्रोथ करवाता है, रूट का ग्रोथ करवाएगा, फ्रूट का भी ग्रोथ करवाता है बाय सेल इलांगेशन। सेल इलांगेशन मतलब क्या? सेल का बढ़ना, ठीक है, सेल इलांगेशन से वो ग्रोथ प्रमोट करता है। एंड रेट ऑफ सेल इलांगेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सिन कंसेंट्रेशन, कितना ज्यादा ऑक्सिन कंसेंट्रेशन है उतना ज्यादा सेल इलांगेट होगा, ठीक है। और याद रखना कि स्टेम में ऑक्सिन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूट, ओके, रूट में थोड़ा कम रहता है, स्टेम में ज्यादा जो है ऑक्सिन कंसेंट्रेशन रहता है स्टेम सेल्स में, ओके, रूट सेल्स के कंपेरिजन में। तो जनरली ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी फंक्शन यही है, ये कभी भी आप मत छोड़ना, ठीक है, यही मेन फंक्शन है। दूसरा, ऑक्सिन डिले लीफ सेनेसेंस, ओके, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एजिंग। ये देखिए, ये पत्ता कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया है ना, हाँ, एज हो गया है, और वो कभी ना कभी गिर ही जाएगा, ओके, बहुत जल्दी जो है वो पेड़ से क्या है, गिरने वाला है, ओके। तो अगर ऑक्सिन रहेंगे लीफ में, ऑक्सिन का मात्रा रहेगा, तो वो क्या करेगा, बूढ़े होने में डिले करवाता है, ठीक है, राइट। नहीं तो अगर ऑक्सिन का मात्रा कम है प्लांट में तो पेड़ में पत्ते ऐसे हो जाएंगे, ओके, क्लियर। तो वो क्या करता है, लीफ सेनेसेंस मतलब एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीफ को क्या करेगा, वो डिले करवाता है, नहीं तो पत्ते क्या हो जाएंगे, जल्दी मुरझा के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ऑक्सिन का मात्रा अगर सही रहेगा तो वो चीज नहीं होगा, होगा ऐसा नहीं सब, कोई भी है तो बूढ़ा तो होगा आगे जाके, ठीक है, लेकिन डिले करता है, ओके। तो वो एक दूसरा जो है फंक्शन है, याद रखिएगा। फिर तीसरा वाला देखिएगा, ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। द फेनोमेनन ऑफ सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड बाय एपिकल बर्ड इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये वाला जो है ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एपिकल बर्ड, और जो साइड में होते हैं, ठीक है, ये देखिए साइड में जो ऐसे बर्ड्स निकले हुए हैं उसको बोलते हैं डॉर्मेंट ऑक्सिलरी एक्सिलरी बर्ड्स या फिर लेटरल बर्ड, ओके। तो ये जो ऑक्सिन जो होता है ना,
वो क्या करता है, ये बर्ड का ग्रोथ कम कराता है, ठीक है, ये जो लेटरल बर्ड है ना, हाँ लेटरल बर्ड्स का जो है ग्रोथ कम कराता है, वो अगर कम कराएगा तो प्लांट ऐसे फैल के ऐसे नहीं फैलेंगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ इसी का करवाता है, ठीक है, इसी का ग्रोथ करवाएगा तो प्लांट कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, साइड वाइज नहीं बढ़ते। वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है उनको, ठीक है, दबाव डाल देता है, प्रेशर डाल देता है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, साइड वाइज नहीं बढ़ पाते, ठीक है। बढ़ेंगे तो कैसे, ऊपर ऊपर ही बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब एपिकल डोमिनेंस होता है, एपिकल का पूरा डोमिनेंस रहता है किस पे, लेटरल बर्ड्स पे, ओके। तो लेटरल बर्ड्स जो है वो नहीं फैल पाते, चाहते तो हैं लेकिन नहीं फैल पाते जब तक एपिकल बर्ड है, और अगर आपने एपिकल बर्ड काट दिया है तो फिर क्या है, लेटरल बर्ड अपना बढ़ते हैं, क्योंकि उसका डोमिनेंस नहीं रहेगा, राजा ही गायब है, ठीक है, तो चलते हैं अपना काम करते हैं वो, ओके। तो ये इसी को बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस, याद रखिए, द फेनोमेनन ऑफ सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड बाय एपिकल बर्ड इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, उसका हमेशा एक्टिव रहना, उसका सिर्फ बढ़ना, और इसका ग्रोथ को क्या कर देना, कम कर देना या सप्रेस कर देना, ठीक है, वो बेचारा बढ़ नहीं पाता। तो इस प्रकार से जो है, देखिए ये एपिकल डोमिनेंस है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेड़ जो है ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका हमेशा से ग्रोथ क्या हो रहा है, देखिए ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो ये ट्री में कंप्लीटली क्या है, एपिकल डोमिनेंस है, ओके। तो ये ऊपर ऊपर देखिए बढ़ रहा है, साइड वाइज नहीं बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, ओके। तो वो एक एग्जाम्पल है। फिर ऑक्सिन प्रमोट रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज एंड बोगनविलिया, ओके। बोगनविलिया का जो पत्ते भी होता है ना, ये फ्लावर की तरह दिखते हैं, देखो, या फिर फ्लावर जो है पत्ते की तरह दिखते हैं, जैसे बोल सकते हो वो फ्लावर है, ओके, दिख रहे हैं पत्ते की तरह, ग्रीन पिंक कलर का होता है, अलग अलग कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, ठीक है, रेड कलर के भी होते हैं, सब वैसे होते हैं, ओके। तो ये ऑक्सिन्स जो है ना वो क्या करता है, रोज और बोगनविलिया जैसे प्लांट में क्या है, रूटिंग फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, उसमें रूट फॉर्मेट करवाता है, कौन, ऑक्सिन। अगर ये सब चीज आप आएंगे तोड़ वोड़ लेते हो और कहीं दूसरे जगह में लगाते हो नए तरीके से, तो वहां पर भी वो क्या करता है, रूट प्रमोट करता है, रूटिंग प्रमोट करता है, कौन, ऑक्सिन, ऑक्सिन की वजह से ये हो पा रहा है। फिर ऑक्सिन कैन प्रमोट फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, आपको तो पता है जैसे हम ह्यूमंस में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, राइट, तो प्लांट में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होगा तभी जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स होता है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑक्सिन क्या करता है, इसमें भी मदद करता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन करवा देता है, कौन, ऑक्सिन, ऑक्सिन कैन प्रमोट फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्थेनोकार्पी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्थेनोकार्पी, और जो फ्रूट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो ये खास करके आपको बनाना में देखने को मिलेगा, कुकुम्बर में देखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है, सीडलेस होता है, ठीक है, ये जनरली क्या होता है, सीडलेस, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो एप्पल बनाना में क्या होता है, सीड नहीं होते, ठीक है, कुकुम्बर में आप देखिएगा सीड्स नहीं होते हैं, ओके, ऑरेंजेस में कभी कभी जो है ये, फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद साइंटिस्ट लोगों जो है एक नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में भी क्या करने लगे, अपना ज्ञान डाल चुके थे वहां पर भी, राइट, उन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया, और नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को भी उन्होंने क्या किया, विदाउट फर्टिलाइजेशन उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने लग गए, जैसे कि ये देखिए वाटरमेलन, वाटरमेलन भी उन्होंने बनाने लगा, ठीक है, सीडलेस वाटरमेलन या फिर सीडलेस टमाटोज, ओके, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक नॉन पार्थेन, ये क्या है, एक नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है, हाँ? उसमें तो बीज का ही जो है बोल पाला रहता है कि नहीं, वाटरमेलन में हजारों बीज होते हैं एक एक वाटरमेलन में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो वो भी जो है उन्होंने हासिल कर लिया, देखिए सीडलेस वाटरमेलन, राइट, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कुछ इंजेक्शंस वगैरह से थ्रू जो है उन्होंने एक सीडलेस वाटरमेलन
बना दिया था, ठीक है। तो वो भी जो है एक नॉन पर्थेनोकार्पिक फ्रूट को भी आप एक पर्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हो आजकल, ठीक है। तो ऑक्सिन का काम वही है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको अगर फ्रूट का डेवलपमेंट करना है फर्टिलाइजेशन के बिना, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? ऑक्सिन इस्तेमाल करोगे। ऑक्सिन इस्तेमाल करने से चीजों को आप कर सकते हो, समझ में आया, बना सकते हो। फिर ये तो था ऑक्सिन्स के बारे में, ठीक है। हमने लोकेशन पढ़ा और फंक्शन पढ़ा। फिर है आपका क्या, जिब्रेलिन्स। ओके, जिब्रेलिन्स जनरली वो एक दूसरा प्रकार का प्लांट हार्मोन है, और वो जनरली GA1, GA2 और GA3 के हिसाब से उसका नाम दिया गया, एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, GA3, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड्स, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड्स इज द मोस्ट स्टडीड फॉर्म। वैसे तो बढ़ते रहते हैं GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, GA3। क्या जरूरी है मैं बताऊंगा आपको, जिब्रेलिक एसिड्स। इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेरिस्मेटिक रीजन लाइक स्टेम, अपेक्स, रूट अपेक्स, बर्ड, सीड्स एटसेट्रा, ठीक है। वो भी वहीं पर जो है हम लोग को पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मेरिस्मेटिक रीजन में। ओके, कहां पर, स्टेम अपेक्स में, रूट अपेक्स में, बर्ड्स में, सीड्स में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी लोकेशन आपका चार है, ये चार ठो लोकेशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार लोकेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है। यही दो क्वेश्चन बनेगा ये चैप्टर में, चारों हार्मोन्स के, पांचों हार्मोन्स के ऊपर है। ओके, तो पहला हार्मोन्स क्या है, स्टेम एपेक्स। दूसरा क्या है, रूट एपेक्स। तीसरा क्या है, बर्ड्स। और चौथा क्या है, सीड्स। ओके, तो ये चार के ऊपर जो है, सॉरी, ये चार जो है जगह है जहां पर आपको जिब्रेलिन्स पाया जाता है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड बाय सेल इलॉन्गेशन। उसका भी काम वही है, ऑक्सिजन जैसा ग्रोथ जो है करता है, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जिब्रेलिन्स का भी काम, मेन फंक्शन वही है, ग्रोथ को क्या करना, प्रमोट करना। लेकिन इसका एक और जो है काम है, ठीक है, बहुत जरूरी, ये जो है मेन डिफरेंस है जिब्रेलिन का, ठीक है, या मेन फंक्शन है आप बोल सकते हो। इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। मतलब वो क्या करता है, सीड्स को तोड़ता है, ठीक है, जो सीड्स को तोड़ के क्या करता है, जर्मिनेशन इनिशिएट करता है। देखिए, ये देखिए सीड्स हैं, उसको उन्होंने तोड़ा और क्या बना रहा है, वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पर, राइट। हाँ, तो जिब्रेलिन्स वहां पर काम आता है। जिब्रेलिन्स जो है वो क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, तोड़ता है, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी जो होता है ना, वो छिलका टाइप का या आउटर कवरिंग, उसको फोड़ता है और वहां से क्या करता है, जर्मिनेशन इनिशिएट करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, ये है मेन फंक्शन किसका, जिब्रेलिन का। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है और जर्मिनेशन इनिशिएट करता है। बाकी सब तो ऑक्सिन के फंक्शंस के हिसाब से ही है, कुछ रूबरू सेम ही है उन दोनों का फंक्शन। फिर देखिए, दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ओके, एंड आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग या प्रमोटिंग पर्थेनोकार्पी। वो तो ऑक्सिन भी करता था, जिब्रेलिन्स भी कर रहा है, ठीक है। दे ऑल्सो डिले सिनेसेंस, ठीक है, सिनेसेंस डिले करता है, जैसे कि ऑक्सिन करता था, ये भी डिले कर रहा है। सिनेसेंस मतलब आपको पता ही है क्या, एजिंग, ठीक है, बूढ़ा होने जो है डिले करता है। ओके, एक और है, जिब्रेलिन्स आर वाइडली यूज इन हॉर्टिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज। क्यों, हॉर्टिकल्चर और फूड इंडस्ट्रीज में क्यों काम करता है, ये देखिए क्या मतलब है। जब आप अंगूर खरीदते हो, ठीक है, तो अंगूर आपस में लगे होते हैं ना बहुत, हाँ, इस तरीके से मिलता है आपको अंगूर, मिलता है ना, लेकिन आजकल बहुत कम जगह में आप देखोगे ऐसा अंगूर मिलता है। वो क्या करते हैं, इसमें जाके वो जिब्रेलिक एसिड्स क्या करते हैं, छीट देते हैं, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड छीट देने से वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब उनमें ये क्या बोलते हैं, स्पेसेस आ जाएंगे बीच में, ठीक है। ये देखिए 107 mm का है, ये 107 mm मैंने क्या कर दिया, 184 mm का कर दिया, क्या करके, बस जिब्रेलिक एसिड थोड़ा छीट के,
तो क्या रीजन क्या है, क्यों करते हैं वैसा? अरे बाबा ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा वेट होगा, होगा ना, ज्यादा वेट होगा ना, क्योंकि पानी का कंटेंट वगैरह सारे आ जाएंगे बीच में ज्यादा ज्यादा, ठीक है, तो कंटेंट बढ़ जाएगा, पैसा कमाएंगे, वही है तरीका। ओके, इसलिए ऐसा किया जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी जो है जिब्रेलिक एसिड्स काम आते हैं। देखिए, दे आर यूज्ड कमर्शियली, कमर्शियली का मतलब वही पैसा कमाने के लिए, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स, इलोंगेट एप्पल्स एंड इंप्रूव देयर शेप। वो क्या करते हैं, वैसे ग्रेप का लेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एप्पल्स को भी इलोंगेट कर देते हैं, एप्पल्स को भी जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड्स थोड़ा डाल के। ओके, या फिर उनके शेप्स को क्या करते हैं, थोड़ा इंप्रूव कर देते हैं, मतलब वही है, आर्टिफिशियली जो है ढांचा चेंज कर देना। जैसे आप लोग जो है अपना, आजकल इंसान कुछ भी कर सकता है ना अपने बॉडी के साथ, जैसा वो चाहे वैसा बना सकता है ना, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसे होने से आप आज काले हो कल गोरे हो जाओगे, है? कल के लिए भी वेट नहीं करना पड़ेगा, 2 घंटे के अंदर हो जाओगे। ओके, इतना ज्यादा साइंस डेवलप हो गया है। ओके, वो बहुत कुछ हो रहा है वैसा। ओके, तो प्लांट में भी जिब्रेलिक एसिड इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। ओके, वहां पर भी जिब्रेलिक एसिड्स यूज होता है। माल्टिंग प्रोसेस मतलब ये बार्ले एंड ऑल को पूरा छट करना वगैरह वगैरह, ठीक है, यहाँ पर भी जो है काम किया जाता है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड्स का यूज किया जाता है। तो ये था आपका क्या, जिब्रेलिन हॉर्मोन्स, ठीक है। जिब्रेलिन हॉर्मोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं याद रखिएगा, 3-4 चीज मैंने बताया, और फंक्शन में मेन फंक्शन क्या है जिब्रेलिन का, इनिशिएट जर्मिनेशन, ठीक है, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन, और बाकी सब तो ऑक्सिन के जैसा ही है, डिले लीफ सेनेसेंस, ओके, प्रमोट ग्रोथ, राइट, इंड्यूसेस पर्थेनोकार्पी, ठीक है, फिर इट इज ऑल्सो यूज इन हॉर्टिकल्चर्स एंड फूड इंडस्ट्रीज, और ये ग्रेप वाला चीज थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि विच हॉर्मोन इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स और टू इलोंगेट एप्पल्स, तो आपका आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन, ठीक है। और विच हॉर्मोन इज यूज इन सेल जर्मिनेशन, विच हॉर्मोन इज यूज टू इनिशिएट जर्मिनेशन, तो खास करके क्या लिखोगे, जिब्रेलिन इनिशिएट जर्मिनेशन। ओके, और जब ग्रोथ का वर्ड आएगा तो ऑक्सिन, ग्रोथ ये भी करवा रहा है लेकिन इसका मेन फंक्शन है, ऑक्सिन का मेन फंक्शन है ग्रोथ करवाना, और वो पहला ग्रोथ हॉर्मोन था, तो जब वर्ड ग्रोथ आएगा तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सिन बोलोगे, ठीक है। फिर साइटोकिनिन, वो थर्ड जो है आपका हॉर्मोन्स है, साइटोकिनिन किसको, किसने जो है डिस्कवर किया था, 1950s, ठीक है, 1950s में डिस्कवर किया था, और किसने किया था, स्कुग एंड मिलर, ठीक है, स्कुग एंड मिलर। ओके, अभी तक हमने 5 साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिया, पहले हॉर्मोन्स, हॉर्मोन किसने रिलीज किया था, अर्नेस्ट डार्लिंग एंड विलियम बेलिस, ठीक है, ये हॉर्मोन बताए थे। फिर हमें ऑक्सिन का पता, जिब्रेलिन के थे नहीं, ठीक है, ऑक्सिन का पता है, किसने बनाया ऑक्सिन को, F.W. वेंट, ओके, F.W. वेंट इन 1928, ईयर याद नहीं रहता, जो हिस्ट्री में आता है, यस, बायोलॉजी में नहीं आता। ओके, तो साइंटिस्ट बेशक आप याद रखिएगा, और साइटोकिनिन को डिस्कवर किसने किया, स्कुग एंड मिलर, ठीक है। तो साइटोकिनिन आर स्पेसिफिक इफेक्ट इन सेल डिविजन, आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट, एक जगह ऐसा नहीं पाया जाता है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है साइटोकिनिन, और वो भी कहां पर मिलता है, मैक्सिमम हॉर्मोन्स कहां पर होते हैं, वही रूट एपेक्स में, रूट टिप में, या फिर शूट टिप्स में। तो ये तो सिर्फ रूट टिप्स में होता है, और फिर जाइलम उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जाइलम का काम ही है नीचे से सारा चीज को लेना और ऊपर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जाइलम वही करता है, वो साइटोकिनिन को भी वैसा लेता है, ठीक है, रूट टिप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉरी, रूट टिप में पाया जा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से जाइलम लेता है और उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है इवनली। ओके, सो दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लांट्स। और साइटोकिनिन कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकिनिन आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट्स और एम्ब्रियो। कहां पर पाया जाता है, खास करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ साइटोकिनिन हमें कहां मिलेगा, सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स पे मिलेगा, ठीक है, जो सीड्स अभी अभी हो रहा है ना, जर्मिनेट हो रहा है, वहां पर साइटोकिनिन्स बहुत ज्यादा होता है। फ्रूट्स जहां डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, राइट, वहां पर साइटोकिनिन्स आपको ज्यादा
देखने को मिलता है, और एम्ब्रियो, ठीक है, बनने वाला बेचारा बच्चा है अभी, ओके, एम्ब्रियो, वहां पर साइटोकिनिन जो है देखने मिलेगा आपको। फिर साइटोकिनिन के फंक्शंस क्या क्या है, इसका मेन फंक्शन है ये वाला, कौन सा की, हाँ, एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स में आपका मेन फंक्शन है, और दूसरा इट स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ओके। और ये क्यों अलग है, देखिए ये बाकी दो जो थे जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन्स वो सिर्फ सेल डिवीजन कर रहे थे मेरिस्टमेटिक रीजन में, लेकिन ये क्या करेगा नॉन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में भी वो सेल ग्रोथ दिखाता है, दे प्रमोट ग्रोथ, ओके, दे प्रमोट सेल डिवीजन इवन इन नॉन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, ओके। हमने पढ़ा था नाइन्थ में, आपने पढ़ा होगा मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, ओके, तो वही चीज है। तो बाकी जो दो थे आगे के ऑक्सिन और जिब्रेलिन वो सिर्फ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में सेल मतलब ग्रोथ इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन वो सेल डिवीजन कहां पर करेगा नॉन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में भी क्या करता है इनिशिएट करता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स, ठीक है, साइटोकिनिन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स। फिर बाकी सब सेम है, वही दे ब्रेक सीड डोर्मेंसीज एंड प्रमोट जर्मिनेशन, दे प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, बढ़ाता है क्लोरोफिल का अमाउंट जो है बढ़ाता है क्लोरोप्लास्ट में, साइटोकिनिन डिले लीफ सेनेसेंस, ये तो सब में कॉमन है, ओके, एंड साइटोकिनिन इनहेबिट्स एपिकल डोमिनेंस, मतलब क्या मतलब है, पहले जो दो थे ऑक्सिन और जिब्रेलिन वो क्या करते थे एपिकल डोमिनेंस करवाते थे, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है इनहेबिट्स करता है, इनहेबिट्स का मतलब क्या करता है रोकता है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, कौन साइटोकिनिन, पहले के दो इनिशिएट करवाते थे, खुश होते थे हो रहा है एपिकल डोमिनेंस, तो ये बेचारा क्या करता है रोकता है उसको, ठीक है, रोक के खुश होता है, राइट, तो साइटोकिनिन इनहेबिट्स एपिकल डोमिनेंस, ये याद रखिएगा। तो यहां पर बहुत सारे डिफरेंस पॉइंट आपको देखने को मिले, कहां से ऑक्सिन और जिब्रेलिन में, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे ये वाला एक सिमिलैरिटी है, ये वाला एक है सिमिलैरिटी, ओके, बाकी सब जो है आपके क्या है डिफरेंस है, राइट, दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, दे इनहेबिट्स एपिकल डोमिनेंस, ओके, दे प्रमोट सेल डिविजन इन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, दे इवन प्रमोट सेल डिविजन इन नॉन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, ठीक है, और सिमिलैरिटी क्या है, वो भी लीफ सेनेसेंस को डिले करते थे, ये भी लीफ सेनेसेंस को डिले कर रहे हैं, वो भी जर्मिनेशन इनिशिएट करवाते थे, ये भी जर्मिनेशन ही इनिशिएट करवा रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन याद रखिएगा, कंपैरेटिवली अगर पढ़ोगे तो जल्दी याद होता है, ठीक है, तो ये साइटोकिनिन्स के कुछ फंक्शन है, तो याद रखिए। फिर आपका क्या है इथिलीन, ये ध्यान से सुनिएगा, ओके, इथिलीन जो है वो एक मात्र हार्मोन है जो गैस है, विच इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, यहां पर सवाल बन सकता है कि नेम अ हार्मोन, नेम अ प्लांट हार्मोन विच इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है इथिलीन, ठीक है, इथिलीन का फॉर्मूला पता है आपको, हाँ, इथिलीन जो है उसका प्यारा नाम, उसका रियल नेम क्या है इथीन, ठीक है, उसका रियल नेम है इथीन, उसकी इथ मतलब क्या दो, कार्बन कंटेंट कितना है दो, ठीक है, और ईएनई मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, ईएनई मतलब डबल बॉन्ड, तो ऐसे दो कार्बन होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, कैसे डबल बॉन्ड में अटैच होते हैं, ठीक है, और कार्बन का वैलेंसी कितना है चार है, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी चार है, मतलब उसको कितने बॉन्ड चाहिए, चार बॉन्ड चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कार्बन देखो दो बॉन्ड तो बना चुका है ये कार्बन के साथ, और कितने बॉन्ड बना सकता है, और दो बनाता है तो वो दो किससे बनाता है हाइड्रोजन से बनाता है, ओके, और ये कार्बन भी क्या किया है दो बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और दो बॉन्ड बनाएगा तो वो भी किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है, तो वहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बने, या फिर आप बोल सकते हो C2H4, ये है किसका इथिलीन का फॉर्मूला या फिर इथिन का फॉर्मूला, डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपको अपना करियर साइंस में बनाना है तो इसका एक बुक पढ़ना होगा पूरा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बुक आएगा 11-12 में, और वो बहुत जरूरी है,
ठीक है, 30 से 35 मार्क आपके 12th बोर्ड में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही, ठीक है, 30 से 35 मार्क प्लस आपका नीट या जेई जो भी आप दे रहे हो वहां पर भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, ओनली दोज हु आर टेकिंग साइंस, और जो आर्ट्स और कॉमर्स ले रहे, तो जनरली क्या है, देखिए इथिलीन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ गैस है, ठीक है, बाकी सारे नहीं है। इथिलीन इज अ ओनली हार्मोन विच इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और वो क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस इन फ्रूट एंड रिमेन इन द सेम फ्रूट, वो करता है फ्रूट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है, ठीक है, फ्रूट में ही प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रूट में ही रहता है। ओके, उसका कहीं इधर इधर उधर जाने का कोई सीन है नहीं, राइट, बेचारा शांत शिष्ट आदमी है वो। इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन आर नॉट डिफरेंट, मतलब जहां पर वही है, मैं जैसे बोला वहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है और यहीं पर रहता है, तो उसका साइट ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब वही होना, ओके, प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है, दे आर नॉट डिफरेंट। ओके, ये कैसे हुआ, देखिए कि ये इथिलीन गैस जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, आर गेन ने, ठीक है, आर गेन ने जो है इंट्रोड्यूस किया, कैसे किया देखो आप बताता हूं मैं आपको, ठीक है, उसने जो है एक जगह में, ठीक है, एक जगह में कुछ ऐसे बनाना ले लिया, ठीक है, एक जगह में कुछ ऐसे 5-6 बनाना उसने ले लिया, ओके, और नीचे की तरफ उन्होंने क्या रखा, ऑरेंजेस ले लिया, ठीक है, नीचे की तरफ कुछ ऑरेंजेस ले लिया और ऊपर की तरफ कुछ बनाना ले लिया, ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये जो है ना, ये ऑरेंजेस से कुछ गैस ऐसे रिलीज हो रहा था, ठीक है, ऑरेंजेस से कुछ ऐसे गैस रिलीज हो रहे थे, ठीक है, दैट इज नोन एज इमानेटिंग फ्रॉम ऑरेंजेस, देयर वाज सम गैस इमानेटिंग, इमानेटिंग का मतलब क्या है, रिलीज, ओके, इमानेटिंग का मतलब ध्यान से सुनिएगा, तो वहां से ये गैस रिलीज हो रहा था, तो ये जैसे ही गैस रिलीज हुआ ऑरेंजेस से, ठीक है, तो वो क्या किया, बनाना जो थे उसको पका दिया, राइपनिंग हो गया, बनाना पहले से पके हुए नहीं थे, ये गैस ये ऑरेंजेस से निकले तो ये बनाना क्या हो गया, राइपन हो गया, ठीक है, मतलब पक गया। ओके, तो इससे पता चला बाद में, फिर साइंटिस्ट लोगों ने देखे कि ये कैसे हुआ करके, ठीक है, तो बाद में पता चला कि ये जो ऑरेंजेस से जो गैस निकल रहे हैं, ठीक है, वो कौन है, इथिलीन गैस है, और इथिलीन गैस हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, तो ये इसका मेन फंक्शन है, इथिलीन का मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना जल्दी पका देता है वो इथिलीन, ठीक है, इथिलीन जो है जल्दी पका देता है फ्रूट्स को, ठीक है, तो आप कभी भी कोई दो फ्रूट्स को ऐसे रखोगे ना, तो ये एक फ्रूट से जो गैस निकल रहा है वो दूसरे फ्रूट्स को क्या करता है, जल्दी पका देता है। ओके, तो वही है, देखिए द गैस वॉज देन फाउंड, नहीं, अ गैस कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट वॉज फर्स्ट फाउंड टू बी इमानेटिंग फ्रॉम ऑरेंजेस विच हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ बनाना वेन स्टोर्ड टुगेदर, जब साथ में रखे हम दोनों को, ठीक है, बनाना और ऑरेंजेस को, तो क्या हुआ, ऑरेंजेस से जो गैस निकला वो बनाना को क्या कर दिया, पका दिया, ठीक है, एंड द गैस वॉज देन फाउंड टू बी इथिलीन, और वो गैस का नाम किस क्या था, इथिलीन था, किसने दिया उसको, आर गेन, ठीक है, एंड द इथिलीन इज प्रोड्यूस इन हायर प्लांट्स एंड फंगी, ऑल लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इथिलीन बट मोर इथिलीन इज प्रोड्यूस इन मेरिस्मेटिक टिश्यू, सारे के सारे लिविंग सेल्स इथिलीन प्रोड्यूस करने में क्षमता रखते हैं, ठीक है, सब लोग इथिलीन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इथिलीन कहां पर प्रोड्यूस होता है, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मतलब एपेक्स एरिया में, ठीक है, एपेक्स एरिया में ज्यादातर आपको ये इथिलीन प्रोड्यूस होते हुए दिखेगा। समझ में आया ये वाला, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, सवाल आ सकता है यहाँ पर, इथिलीन किस पे काम आता है, तो मेन फंक्शन क्या है इथिलीन का, अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये देखिए, ओके, That is just because of ethylene, ठीक है, That is just because of ethylene, जो है कच्चा से क्या होते गया, पक्का होते गया, ठीक है, राइट, इससे जो है आपका क्या है, एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप देखिएगा बनाना का ये जो है कौन प्रमोट कर रहा है, कौन जो है अर्ली राइपनिंग में यूज हो रहा है, आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन होगा। तो पहला फंक्शन ऑफ इथिलीन क्या है, देखिए इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, तो क्या हो रहा है, पहला चीज तो स्टेम इलोंगेशन रिड्यूस हो रहा है, बाकी जगह में तो स्टेम इलोंगेशन को क्या करते थे, प्रमोट करते थे,
बढ़ाते थे, सेल इलांगेट होता था, लेकिन इथिलीन क्या करता है, छोटा करता है, ठीक है, इलांगेशन को छोटा करता है, इट हेल्प्स इन एक्सेलरेशन ऑफ सिनेसेंस। बाकी सब तो डिले करते थे, बूढ़ा मत हो बोलते थे, ये बोलता है जल्दी बूढ़ा हो, ठीक है। ये इथिलीन क्या करता है, जल्दी पका दे रहा है ना। हाँ, इट इज यूज इन अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और फ्रूट अगर पक गया तो वो ऑब्वियसली गिर जाएगा, है ना, ऑब्वियसली जो है टूट के गिर जाएगा। तो इट हेल्प्स इन एक्सेलरेशन ऑफ सिनेसेंस, इट हेल्प्स इन राइपनिंग, ये मेन डिफरेंट मतलब फंक्शन है। इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट ऑल्सो इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड। ये है देखिए पीनट सीड, ओके, पीनट मूंगफली, ओके, पीनट सीड का भी जो है जर्मिनेशन करवाता है, कौन, हमारा इथिलीन, ठीक है, पीनट को भी जर्मिनेट करवा रहा है। फिर इट हेल्प्स इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो में गजा निकलना, स्प्राउटिंग जो है गजा, ओके, तो इट हेल्प्स इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ओके, तो वहां पर भी जो है इथिलीन यूज होता है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगोज, मैंगोज में भी फ्लावरिंग जो है कौन लाता है, इथिलीन ही लाता है, ठीक है। ये मैंगो प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं पहले, हाँ, फिर वो झड़ जाता है अप्रैल के टाइम में, जो मैंगो शावर जो बोलते हैं, ठीक है, जो फूल लगा होता है वो सब झड़ा देता है एक बार के लिए, ठीक है, हाँ, तो वही मैंगो शावर, काल बैसाखी जो नहीं बोलते हैं, हाँ, इसकी वजह से ये चीज होता है। तो इथिलीन इज द मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इससे पता चला कि इथिलीन सब जगह यूज हो रहा है, ओके, और वो सबसे बढ़िया ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन एग्रीकल्चर में है, मतलब जल्दी पका दे रहा है चीजों को, ओके, इथिलीन जो है जल्दी पका दे रहा है। और ये सारी चीज आपने देखा, ओके, ये सब चीज तो आपने और मतलब रियली में भी देखा होगा ये सब, हाँ, देखे होगे ये सारे, इतना बड़ा बड़ा नहीं भी देखे होगे तो छोटा छोटा तो एटलीस्ट देखे ही होगे इस तरीके का, हाँ, ये तो काफी बड़ा बड़ा है, ओके, ये ऐसा तरीके का नहीं देखे होगे, मार्केट में मिलता है, ओके, ये तो आप खुद देखते हो, ओके। और ये जो है क्या है आपका, पीनट सीड का जर्मिनेशन इनिशिएट, ओके। नेक्स्ट फिर क्या है, एप्सिसिक एसिड, एप्सिसिक एसिड मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्यार से एबीए बोल देते हैं, ठीक है, एप्सिसिक एसिड, एप्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, इसका नाम में ही क्या है, इसको बुला ही जाता है ग्रोथ रिटार्डिंग हॉर्मोन्स। ग्रोथ रिटार्डिंग हॉर्मोन्स मतलब वो इनिशिएट ही नहीं करता है ग्रोथ, ओके, वो कितना ड्वाफ हो उतना खुश है वो, ओके, बढ़ने ही नहीं देता। अगर सामने वाला बढ़ भी रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देता है, ओके, आपके जैसा है वो, आप जैसे हो सामने वाले को भी वैसा बनाते हो, ओके, तो वैसा है वो। एप्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ रिटार्डिंग हॉर्मोन, ठीक है, अगर बढ़ भी रहा है तो क्या करता है, कमा देता है, ओके। इट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब पता है आपको, एंजियोस्पर्म इज द हैविंग बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट, बोथ फ्लावर एंड फ्रूट रहता है किसमें, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सिर्फ फ्लावर होता है, ठीक है, फ्रूट होता ही नहीं है, सिर्फ फ्लावर, ये देखिए इसमें कोई फ्रूट वगैरह नहीं होता है, ये जिम्नोस्पर्म, ओके। एंजियोस्पर्म मैक्सिमम लोग रहते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है मैक्सिमम प्लांट जाति में एंजियोस्पर्म बहुत रहते हैं, जिसमें दोनों रहते हैं फ्लावर और फ्रूट, कोई भी ले लो सारे एंजियोस्पर्म है, ओके, मैक्सिमम। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ फ्लावर होता है, ओके। और तीसरा क्या है, टेरिडोफाइट्स, पी साइलेंट है, क्या, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स मतलब क्या है, सिर्फ लीफ का रहना, सिर्फ लीफ और कुछ नहीं, सिर्फ लीव्स रहता है, जैसे कि आप बोल सकते हो कैक्टस, कैक्टस में सिर्फ लीफ रहते हैं, ठीक है, ये वाला, ये भी देखिए सिर्फ लीव, ना फ्लावर ना फ्रूट कुछ नहीं, ठीक है, खाली पत्ता, हाँ, वैल्यू ही नहीं है इसका कुछ, ओके, राइट, जो है सिर्फ पत्ते रहते हैं, ना फ्लावर्स देता है हमें ना फ्रूट्स देता है, दे आर कॉल्ड एज टेरिडोफाइट्स। और फिर इसके बाद क्या है, मोसेस, मोसेस देखा है आपने कभी, बहुत लोग देखे होंगे मोसेस, नहीं देखे हो, अभी देखे हो, ठीक है, मोसेस, ओके, तो ये जो है आपका मोसेस है, ओके, तो ये बहुत आपने देखा होगा लाइफ में, ठीक है, लेकिन उसको मोसेस बोलते हैं ये नहीं पता होगा आपको, ओके। तो अभी जाते जाते नीचे देख लोगे, ओके, बहुत हैं, तो दैट इज
मॉसेस राइट। तो यहां पर ये सब जगह में पाया जाता है क्या? एब्सिसिक एसिड। तो नीचे जाइएगा, अगर दिखेगा तो देखिएगा एब्सिसिक एसिड है कि नहीं। ओके okay. ऐसे नहीं दिखेगा आपको। ओके okay. अंदर रहते हैं बट यू कैन नॉट सी। तो एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड सम मॉसेस, ठीक है, कुछ कुछ मॉसेस में आपको एब्सिसिक एसिड दिखेगा। तो इसका लोकेशन भी पता चला आपको, कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा आपको एब्सिसिक एसिड। याद रखिएगा ये चार चीज, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड मॉसेस। ओके अब उसका फंक्शंस पढ़ते हैं। और कहाँ पर और पाया जाता है? इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स में भी, ठीक है, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में भी आपको देखने को मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्या? क्लोरोफिल। ओके तो वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट में भी आपको एब्सिसिक एसिड देखने को मिलेगा। एंड फ्रूट्स एंड सीड कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कहीं और भी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला है। कहाँ है वो जगह? फ्रूट और सीड, ठीक है। तो यहाँ इसका लोकेशन बहुत है आपको याद रखना है। चार तो पहले पढ़े हमने, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और मॉसेस। फिर यहां पर हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, और लास्ट में हमने पढ़ा कि फ्रूट और सीड्स में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ए बी ए। तो 6 से 7 लोकेशन हमने पढ़ा जहां जहां पर एब्सिसिक एसिड हमें मिलता है। ओके देखने को उसके फंक्शंस क्या है? एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहेबिटर्स बाय स्लोइंग डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ओके तो जनरली क्या है वो, पहले भी बोला गया था एब्सिसिक एसिड क्या है? वो ग्रोथ रिटार्डर है, राइट, ग्रोथ को नहीं होने देता है। तो वो क्या करता है? ग्रोथ इनहेबिटर्स के नाम पे जाना जाता है, ठीक है, ग्रोथ इनहेबिटर्स बाय स्लोइंग डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म। जो भी मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? चेंज। ओके मेटाबॉलिज्म मतलब चेंज, केमिकल रिएक्शंस रेगुलेट करवाना, वो सबको मना कर देता है, वो स्लो कर देता है, तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं? मेटाबॉलिज्म मतलब चेंज है। अगर वही आप कम कर देते हो प्लांट में, उसको जो है जो एनवायरमेंट देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो वही करता है वो, ठीक है। तो दे एक्ट एज इन ग्रोथ इनहेबिटर्स। एबीए इनहेबिट्स सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट, सब में मना करता है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन भी मना कर रहा है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन भी मना करता है, इनहेबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। इट प्रमोट सीड डॉर्मेंसी एंड देयर बाय हेल्प सीड्स टू विदस्टैंड डेसिसेशन। ओके मतलब वो बोल तो रहा है सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है, तोड़ दे रहा है, सीड को तोड़ तो दे रहा है लेकिन जर्मिनेट नहीं करवा रहा है। वो क्या करता है? हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिसेशन। डेसिसेशन मतलब बेचारा फोड़ देता है वो, और एक्सट्रीम ड्राई हो जाता है, ठीक है, जर्मिनेशन होगा तो अच्छे से होगा ना, हाँ, फोड़ दिया और उस पर कुछ काम नहीं करता, दैट लीड्स टू व्हाट? एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ दैट सीड। ओके जिसको बोला जाता है क्या? डेसिसेशन। इट एक्सेलरेट सेनेसेंस। ओके बूढ़ा जल्दी हो जा बोलता है। ओके इट एक्सेलरेट एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या? लीफ का गिरना, झड़ना। ओके राइट पहले हमने पढ़ा था सेनेसेंस का मतलब एजिंग एंड फॉलिंग दोनों, लेकिन यहां पर क्या है? सेनेसेंस का मतलब क्या है? देखिए एजिंग बूढ़ा होना, और गिरने को क्या बोलते हैं? एब्सिशन। ओके तो इट एक्सेलरेट सेनेसेंस, इट एक्सेलरेट एब्सिशंस। एबीए स्टिम्युलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। ये है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, एबीए का। कुछ मैंने जो टिक करवाया ना वो आप पहले पढ़िएगा, ठीक है, वो उसके मेन फंक्शंस है, राइट, मेन फंक्शंस को पहले पढ़िएगा। तो एबीए क्या करता है? एब्सिसिक एसिड्स क्या करता है? वो स्टोमाटा को बंद करता है, ठीक है। स्टोमाटा बंद हो जाने से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वाटर कंटेंट भी कम हो जाएगा। तो स्टिम्युलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस, और वो क्या करता है? अब स्टोमाटा बंद हो गया तो एक स्ट्रेस आ जाएगा प्लांट के ऊपर, है ना, तो वो बोलता है सह, प्लांट को बोलता है सह, ठीक है, बंद हो गया अब तो स्टोमाटा बंद हो गया, तो प्लांट को बोलता है तू सारा स्ट्रेस, जो भी तेरे को स्ट्रेस दे रहा है ना सब सह, ठीक है। तो इट हेल्प, इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो प्लांट भी क्या करता है बेचारा, जो भी उसको स्ट्रेस मिल रहा है ना वो सबको क्या करता है? टॉलरेट करता है, ठीक है। तो उसके वजह से ही वो क्या कर पा रहा है? टॉलरेट कर पाता है। किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड के वजह से। अगर वो नहीं रहेगा तो प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है, प्लांट जो है बेचारा नहीं कर पाएगा, बियर नहीं कर पाएगा वो स्ट्रेस को, नहीं बियर कर पाता है। तो उसके प्रेजेंट होने के वजह से
वो सारे स्ट्रेस को क्या कर सकता है, सह सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको कभी कभी क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी बोला जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्ट्रेस हॉर्मोन। सो विच हॉर्मोन इज कॉल्ड ए स्ट्रेस हॉर्मोन, एक सवाल आ सकता है, तो आपको बोलना है एब्सेसिक एसिड। ओके, एब्सेसिक एसिड जो है इज कॉल्ड दी, एब्सेसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हॉर्मोन्स। क्लियर। सो नेक्स्ट आपका ये तो खत्म हुआ, ठीक है। हॉर्मोन्स के बारे में पांच हॉर्मोन्स थे, ठीक है। पांच हॉर्मोन्स क्या क्या थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन और एब्सेसिक एसिड और इथिलिन। ओके, तो ये पांच आपके हॉर्मोन्स थे। इसके आपको लोकेशंस और क्या फंक्शंस जरूरी से याद रखना है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है ये चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि प्लांट कभी भी इधर उधर चलते नहीं है, फिरते नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक जगह रह के भी कुछ जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट वो दिखाते हैं, ठीक है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से। तो द मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इन डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो जो भी रेस्पॉन्स दिखा रहा है, जो भी मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट, वो जस्ट किसके वजह से दिखा रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुली के वजह से, मतलब एक्सटर्नल टच के वजह से। ओके, वो टच कुछ भी कर सकता है, हम ह्यूमन भी टच कर पा रहे हैं, ठीक है, लाइट भी टच करेगा, कभी कभी प्लांट के ऊपर लाइट गिर जाता है तो वो क्या है, टच ही हुआ ना। अगर पानी टच हो रहा है, ठीक है, या फिर सन जो है, सन का लाइट जो है टच हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेविटी टच हो रहा है, अर्थ का ग्रेविटी अगर टच कर रहा है प्लांट को, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है, अलग अलग ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो देखिए, सच अ रेस्पॉन्स इज नोन एज ट्रॉपिज्म। तो द डिरेक्शन ऑफ द रेस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द डिरेक्शन फ्रॉम विच द स्टिमुलस कम। मतलब प्लांट उसी डिरेक्शन में क्या करता है, अपना मूवमेंट दिखाता है, जिस डिरेक्शन से क्या है उसको स्टिमुली आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा ये चीज, नहीं तो नहीं आएगा समझ। ओके, तो वो क्या है, देखिए, जहां से आपका स्टिमुलस आ रहा है, जहां से जो है उसको फील हो रहा है कि मुझे यहां से ये चीज आ रहा है करके, ठीक है, तो उस तरफ वो अपना डिरेक्शन क्या करता है, मूव कर देता है, ठीक है, उस तरफ जो है अपना डिरेक्शन, अपना रेस्पॉन्स दे रहा है, कौन, प्लांट। तो दैट इज नोन एज, दैट रेस्पॉन्स इज नोन एज क्या, ट्रॉपिज्म। ओके, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिज्म बोला जाता है। ओके, आया समझ में, ट्रॉपिज्म क्या होता है। ओके, जो डिरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है वही डिरेक्शन में रेस्पॉन्ड करना, ठीक है, अलग डिरेक्शन में रेस्पॉन्ड क्यों करेगा वो, ठीक है, जहां टच आ रहा है वहीं पर रेस्पॉन्ड करेगा ना, राइट। तो द टर्म ट्रॉपिज्म कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रोपोस विच मीन्स टू टर्न। ओके, ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, घूम जाना, देखना, पलट। ओके, टू टर्न, राइट, दैट इज ट्रॉपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट ऑकरिंग इन रेस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुली इन अ प्लांट पार्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। सम ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, ये हैं आपके पांच प्रिंसिपल ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। क्या है पांच प्रिंसिपल, एक है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म मतलब किसके वजह से, लाइट के वजह से, ठीक है। फिर सेकेंड है जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, अर्थ ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट उसको बोलते हैं क्या, जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर, वाटर से जो प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर आपका क्या, टिग्मोट्रॉपिज्म, टिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, टच, स्टिमुली टू, स्टिमुली ऑफ टच। ओके, जिस प्रकार से आप छूओगे उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है, दैट इज नोन एज टिग्मो या थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, थिग्मोट्रोपिज्म। और फिर है आपका क्या, केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल, ठीक है, जहां जहां केमिकल रिलीज हो रहा है वहां वहां मूवमेंट होना प्लांट का, वहां वहां मूवमेंट होना, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, केमोट्रोपिज्म। तो ये पांच है, एक और है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या है वो एक और। ओके, तो ये पांच मेन है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ठीक है, मींस मूवमेंट टुवर्ड लाइट। ओके, और ये क्या लिखा है मैंने,
सूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमें हमेशा पता है कि सपोज मेरा एक प्लांट है, ओके, और ये जो है मेरा रूट है, और ये ऊपर वाले हिस्से, इतना को क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है, और इतने को क्या बोला जाता है, सूट बोला जाता है। अभी ध्यान से सुनिएगा ये चीज, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, ओके, लाइट की तरफ मूवमेंट करना। तो कौन जो है लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा, सूट करेगा या रूट करेगा, सूट करेगा, ठीक है, क्योंकि रूट तो नीचे पाए जाते हैं, ओके, और वो तो लाइट से क्या करते हैं, दूर जाते हैं, अवे फ्रॉम द लाइट जा रहे हैं वो। सिर्फ सूट ही जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है लाइट के हिसाब से। तो सूट होता है आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और रूट जो है हमेशा लाइट से अवे जाता है, तो उसीलिए रूट को बोला जाता है क्या, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। समझ में आया? तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो सूट आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और रूट आपका नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, तो ये जरूरी है जानना, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, ये फोटोट्रॉपिज्म कौन इनिशिएट करता है, कौन जो है, कौन सा हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोट्रॉपिज्म दिखाने में, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म प्लांट दिखा पा रहा है किसके वजह से, ऑक्सिन के वजह से, ठीक है। ऑक्सिन ही जो है प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म, इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ अ शूट टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट बाय गेटिंग एक्युमुलेटेड इन द रीजन ऑफ द शूट व्हिच इज नॉट फेसिंग द लाइट व्हिच कॉज रैपिड सेल इलॉन्गेशन। तो वो क्या करता है, ऑक्सिन देखता है, ठीक है, लाइट की तरफ झुकना है कि नहीं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, देखिए लाइट की तरफ सारे शूट जो है देखिए जा रहे हैं कि नहीं, हां जा रहे हैं नहीं, ये देखिए, ये ऐसा तो ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो देखिए बेंड हो गए। क्यों बेंड हो गए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहां पर क्या है, लाइट आ रहा है करके, ठीक है, लाइट आ रहा है, तो वो कैसे ऐसे झुक के रहते हैं। देखिएगा सब प्लांट, मैक्सिमम प्लांट आपके घर में भी, ओके, हाँ, आप ओपन विंडो में रख दीजिएगा, उसका प्लांट का डायरेक्शन क्या होता है, ओपन विंडो की तरफ हो जाता है, ओके, एक डार्क रूम में रखिएगा और एक जो है खिड़की खोल दीजिएगा, ठीक है, और वहां पर प्लांट रखिएगा, देखना 3-4 दिन 5 दिन बाद उसका डायरेक्शन क्या होता है, विंडो की तरफ हो जाता है, ओके। तो जनरली वो क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, वो हेल्प करता है शूट को बेंड होते हुए, ठीक है, शूट को वो क्या करता है, बेंड करवाता है किसके तरफ, लाइट के तरफ, जो जो लाइट नहीं मिल रहा ना, जो जो बेंड नहीं हो पा रहा है वहां पर जाके इकट्ठा हो जाता है वो, तू हो बोलता है, ठीक है, बेंड हो, तेरा काम है बेंड होना लाइट के तरफ, वो वहां वहां चला जाता है, यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, वहां एक्युमुलेट हो गया तो ग्रोथ दिखाएगा ही वो, है कि नहीं। जहां जहां ऑक्सीजन होता है वहां वहां ग्रोथ होता ही है, तो यहाँ पर सेल इलॉन्गेशन होगा ही जहां जहां ऑक्सीजन है, तो वो वहां चला जाता है और एक्युमुलेट हो जाता है इन द रीजन ऑफ द सूट व्हिच इज नॉट फेसिंग द लाइट व्हिच कॉज रैपिड क्या, सेल इलॉन्गेशन, ठीक है, रैपिड सेल इलॉन्गेशन वहीं पर होने लगता है। तो यही जो है, देखिए प्लांट, ये देखिए इस तरफ जो है जा रहा है, देख रहे हो आप, हाँ, राइट, तो वो बट, तो एक्टिविटी क्या है, वही लेना है, आप एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लीजिए, उसको डार्क रूम में रख दीजिए बाय द साइड ऑफ एन ओपन विंडो, ठीक है, ओपन विंडो के साइड में जो है ऐसा रख दीजिए डार्क रूम में, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ 7-8 दिन 9 दिन रखिए, ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल नोटिस दैट द प्लांट बेंड टुवर्ड द ओपन विंडो, दिख रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं ऐसा, हियर द प्लांट इज शोइंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू लाइट, खुश हो गया लाइट को देख के प्लांट, ओके, इसीलिए उसकी तरफ झूम रहा है ना, और फिर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये इसी को बोला जाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ओके, लाइट के तरफ झुकना। समझ में आया फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फिर क्या है, देखिए जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, जीने के लिए बोल रहा है वो, नहीं, ओके, द टर्म जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोइंग टुवर्ड अर्थ ग्रेविटी, ठीक है, तो यहाँ पर जियो का स्पेलिंग GEO है, ठीक है, अभी तक 2017 से जियो का स्पेलिंग चेंज हो गया आपके लिए, ठीक है, जियो कुछ और हो गया, लेकिन वो है जियो यहाँ पर, ठीक है। तो जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोइंग टुवर्ड अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी के तरफ जाना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, सूट होगा या रूट होगा,
रूट होगा, क्योंकि रूट जाता है किसके करीब, अर्थ के करीब, और सूट तो आगे जा रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के पास जा रहा है क्या, नहीं। तो सूट होगा यहां पर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और रूट होगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसको कभी कभी हम लोग ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोला जाता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविट्रॉपिज्म। ऑर्गन विच ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटी आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, पता चला आपको। सोच लीजिए एक प्लांट है, ओके, यहाँ जो है आपके रूट्स हैं ऐसे, ठीक है, तो सब ये रूट होते हैं क्या, अर्थ के करीब जा रहे हैं, और शूट क्या होता है, अर्थ के अवे जा रहा है, ओके। तो विच ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटी आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड विच ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जैसे कि सूट टी। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट to gravity can be absorbed in the laboratories when seedlings are placed in a pot filled with moist soil, ठीक है, ये एक activity है, देखिए क्या हो रहा है, activity करते हैं, activity मतलब एक bean लेते हैं, वैसे तो मैं बोल के करवा दे रहा हूँ, करना होता है activity, मैं बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप क्या होता है, ये देखो beans वगैरह देखो या grams, आप ये नींबू चना खाते हो ना, हाँ, क्या ये ब्लैक कलर का है कि ब्राउन कलर का एक चना नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्प्राउट्स बोल सकते हो आप, ठीक है, जो सुबह सुबह खाना होता है, हाँ बहुत हेल्दी होता है, तो आप देखिएगा उसको आप सुबह रख दीजिएगा, मतलब रात को भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है, जब आप रात को भिगो के रख दोगे ना, तो जब सुबह देखने को मिलता है उसके ऊपर से क्या होता है, ऐसा स्प्राउट्स निकल गए होते हैं, ठीक है, गजे निकल गए होते हैं व्हाइट कलर का, देखा आपने, ये खाना चाहिए बोलते हैं, बहुत हेल्दी होता है, हाँ? बहुत हेल्दी होता है, ओके, स्वाद का पता नहीं कैसा होता है बट हेल्दी होता है, ओके। टेक अ फ्यू सीड ऑफ बीन और ग्राम, सो देम इन अ मॉइस्ट सेल इन अ ग्लास बीकर, आपको क्या करना है उसको डाल देना, ठीक है, ये ग्राम को या बीन को आपको मॉइस्ट सॉइल में डाल देना, जो सॉइल में क्या है मॉइस्चर है, ओके, मॉइस्चर है उसमें डाल देना है। इन 3 or 4 days द सीड विल क्या स्प्राउट, 3 या 4 दिन में क्या है सीड्स जो है स्प्राउट हो जाएंगे, मतलब उसमें गजे निकल जाएंगे, ठीक है। ईच सीड्स विल गिव राइज टू अ टाइनी सीडलिंग्स, वाटर द सीडलिंग रेगुलरली, ऑब्जर्व देयर ग्रोथ फॉर 8 to 9 days, फिर ये सीडलिंग्स को आप पानी देते रहिए, ये गजे को पानी देते रहिए 8 से 9 दिन तक, ऑब्जर्व करिए उसको, आपका काम ही क्या है, ठीक है। नोटिस द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रोइंग अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, एंड दैट ऑफ द रूट ग्रोइंग टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या करना है, आप 8 से 9 दिन देख लिए, ठीक है, 8 से 9 दिन देखने के बाद आपको जो है नोटिस करना है, ठीक है, 8 से 9 दिन क्या कर रहे थे आप, नोटिस ही कर रहे थे, अभी भी नोटिस ही करोगे, ठीक है। नोटिस द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रोइंग अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट ऑफ रूट ग्रोइंग टूवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, देखिए ये बढ़ गया, बढ़ जाने से जनरली प्लांट तो बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ओके, और जो रूट है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, रूट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो ग्रेविटी के तरफ जा रहा है, रूट बड़ा होते जा रहा है, और प्लांट बड़े होके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्लांट को मत देखिए आप, मेरा एक्सप्लेनेशन को देखिए, ओके, द ग्रोथ इन द स्टेम शोज नेगेटिव रेस्पॉन्स टू अ ग्रेविटी व्हाइल द रूट शोज पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, समझ में आया, रूट जो है अर्थ के करीब करीब जा रहा है, और शूट जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ से दूर होते जा रहा है, ठीक है। तो या एक और एक्टिविटी देखते हैं, ये एक्टिविटी का नाम सोच लीजिए एक्टिविटी 2 है जियोट्रॉपिज्म में, क्या है वो, जियोट्रॉपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्लिनोस्टैट, ठीक है। क्लिनोस्टैट जो है जनरली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से दिखता है क्लिनोस्टैट, तो उस पर हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इट कैन अलाउ अ पॉटेड प्लांट टू रोटेट एट अ स्लो स्पीड, 2 such instruments आर टेकन विच आर फिक्स्ड विद पॉटेड प्लांट हॉरिजॉन्टली, 1 is rotated, द अदर इज not. After some time, you will see that the suit of stationary clinostat shows negative geotropism and root shows positive geotropism. The other potted plant does not show any bending. This is due to the fact that all parts are equally exposed to the gravitational force during rotation. So, यहाँ पर ये जो activity है, देखिए,
इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको दो ठोल लीजिएगा, ठीक है, दो आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसे वाले लीजिएगा, ठीक है। एक में क्या करिएगा, या फिर साइमल्टेनियसली देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक में आप क्या करिएगा, ये क्लिनोस्टैट को ऑन करिएगा और एक में ऑन नहीं करिएगा, ओके। तो अगर एक में ऑन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो जैसा प्लांट, जिस तरीके से हमने ये गमले को फिक्स किया हुआ है, तो वैसा ही रहेगा। और अगर दूसरे में हम उसको चालू करते हैं, चालू करने से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली ये गमला भी जो है रोटेट करेगा, है ना, गमला भी रोटेट करेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं अगर चालू नहीं करके आपको क्या पता चल रहा है। अगर मैंने ये मोटर को चालू नहीं किया है तो ऑब्वियसली प्लांट, ये जो गमला है वो स्टेशनरी रहेगा, ये नहीं घूमेगा। तो अगर हम लोग उस पर पानी देते रहे तो ये जो यहाँ पर जो रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे आगे, 8-9 दिन आप देखिएगा, ठीक है, ये रूट्स जो है बढ़ते जाएंगे और ये प्लांट्स भी जो है बढ़ते जाएगा। तो जब आप ये चालू नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखिएगा ये रूट जो है वो कैसे नीचे की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होंगे, नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, ओके, ग्रेविटी जो है अर्थ की तरफ थोड़ा ये रूट बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो शूट है वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, थोड़ा बेंड होगा टुवर्ड दी लाइट, क्योंकि उसको तो ग्रेविटी से क्या करना है, अर्थ से जो है पीछे जाना है, अवे जाना है, ओके। तो इस तरीके का आप चीज देखोगे। लेकिन अगर मैं वही चीज उसको चालू कर देता हूँ, अगर वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है, ओके, रोटेट हो रहा है, इसके वजह से ये गमला भी रोटेट होगा। और गमला अगर रोटेट होगा तो ये पेड़ के लिए कभी ग्रेविटी नीचे होगा, कभी ग्रेविटी ऊपर होगा, राइट। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट, वो प्लांट जो है खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बढ़ू तो बढ़ू कहां पर, क्योंकि कभी तो उसका ग्रेविटी ऊपर होगा, कभी ग्रेविटी नीचे होगा, तो वो किस तरीके से मूवमेंट दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, ओके। वहां पर रूट्स जो है ऐसे नीचे की तरफ और शूट्स ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे वो, क्योंकि कंफ्यूज हो चुका है कि कहां मुझे जो है ग्रोथ अपना दिखाना, राइट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम में अलग अलग लग रहा है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो रूट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं दिखाएगा, नो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, नो ट्रॉपिक मूवमेंट व्हेन क्लिनोस्टैट इज रोटेटिंग, व्हेन क्लिनोस्टैट इज रोटेटिंग, व्हेन क्लिनोस्टैट इज रोटेटिंग, ठीक है, कभी भी जो है ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ओके। तो नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए, इसीलिए जो रूट्स है वो क्या होगा, ऐसा स्ट्रेट जो है ग्रोथ दिखाएगा और प्लांट भी जो है स्ट्रेट रहेगा, ना कि वो ऊपर जाएगा ना कि रूट नीचे आएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट वो दिखाएंगे ही नहीं, जिसके वजह से रूट भी स्ट्रेट रहेगा और प्लांट भी क्या होगा, स्ट्रेट रहेगा, ओके। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग जान सकते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म नाम से आपको पता चलता होगा कि हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, जो प्लांट मूवमेंट दिखाता है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, वाटर, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। पानी या फिर मॉइस्चर के तरफ जो मूवमेंट दिखा, जो प्लांट रेस्पॉन्स दे रहा है उस जैसे मूवमेंट को हम बोलते हैं, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म की वजह से। व्हेन अ प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड द सोर्स ऑफ मॉइस्चर, अगर वो मॉइस्चर की तरफ ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, और अगर वो जो है मॉइस्चर से दूर जा रहा है, मतलब प्लांट पार्ट ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ मॉइस्चर, इट इज सेड टू बी नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। तो जैसे कि आप प्लांट देखिएगा, प्लांट में हमेशा हम पानी देते हैं, ठीक है, पानी हम कहां पर देते हैं, रूट में देते हैं, है कि नहीं, मिट्टी में देते हैं, तो वो रूट अब्सॉर्ब करता है रूट में, तो ये रूट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है, रूट होगा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और शूट जो है हम पानी गमले में देते हैं, ओके, और शूट जो है ऊपर ऊपर जाता है, तो शूट वाला जो चीज होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ये बस आपको याद रखना है, कौन जो है हाइड्रोट्रॉपिक नेगेटिवली होगा और कौन पॉजिटिवली होगा। तो रूट जो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगा और शूट जो है नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगा। ये कैसे होगा हम लोग देखते हैं,
एक एक्टिविटी करके टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। हमें इफेक्ट जानना है कि रूट और शूट में किस तरीके से पानी इफेक्ट कर रहा है। टेक अ पीस ऑफ वायर नेटिंग और गॉज, ठीक है, वायर नेटिंग और गॉज जिस प्रकार से यहाँ पर लिया गया, देखिए, ठीक है, ये वायर जो है नेटिंग या फिर गॉज है, राइट, वो सपोर्टिंग वायर्स हैं ये सारे, ठीक है, ये आपके हैंग है जिसमें हैंग किया गया है, तो ये चीज है, दैट इज कॉल्ड एज वायर नेटिंग। ओके, ये जो है वायर नेटिंग, ओके, वायर नेटिंग है, उसको हैंग किया हुआ है, दिस आर द सपोर्टिंग वायर्स, राइट। अब मॉइस्ट सॉडस्ट इज प्लेस्ड ऑन द वायर नेटिंग एंड सम जर्मिनेटिंग बीन, बीन सीड है वो, ठीक है, बीन सीड आर एम्बेडेड इन द सॉडस्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉडस्ट से फुल कर देना है। सॉडस्ट मतलब ये जो ऊड का जो नहीं होता है क्या, हाँ, क्या बोलते हैं, जैसे कारपेंटर्स वगैरह काटते हैं, ठीक है, तो ये फिर जो बालू निकलता है, हाँ, लकड़ी से, ओके, दैट इज कॉल्ड अ सॉडस्ट, ओके। तो सॉडस्ट हम लोग यहाँ पर ऐसा लगा देंगे, यहाँ पर डाल देंगे सब जगह सॉडस्ट, ओके, और सॉडस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे जर्मिनेटिंग सीड्स जो है एम्बेड कर देंगे। एम्बेड मतलब वही अंदर डाल देना, ओके, हम लोग अंदर, सॉरी, ठीक है, हम लोग अंदर डाल देंगे। अंदर डाल देने के बाद एज द सीड जर्मिनेट्स द रेडिकल इनिशियली ग्रो डाउनवर्ड थ्रू द वायर नेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हमने पहले पढ़ा हुआ है जियोट्रापिज्म, ओके, तो जैसे ही जो है वो सीड ग्रोथ होने लगेगा, तो सीड जब ग्रोथ होने लगेगा तो ये जो रेडिकल होता है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, ऐसा नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा ना, तो रेडिकल विल ग्रो डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से रूट सारे क्या होंगे, नीचे जाते जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, वो कुछ समय बाद रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, वो ज्यादा और नीचे नहीं जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, यू टर्न लेते हैं, ठीक है, वो जो है यू टर्न लेके फिर जो है अंदर जाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए जैसे गया, फिर उसने यू टर्न लिया और फिर वो जो है थोड़ा दिन बाद क्या होगा, ये फिर से यहीं पर आने लगेंगे, यू टर्न मारने लगेंगे, देख लीजिएगा, ओके। बट सून दे स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड टुवर्ड द मॉइस्ट सॉडस्ट विच इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर, इन डूइंग सो दे ग्रो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, कुछ दिन बाद, फिर आप तीन चार दिन बाद देखिएगा, तो जो नीचे की तरफ जा रहा है रूट, जो रेडिकल नीचे की तरफ जा रहा है, वो फिर क्या करेगा, यू टर्न मार के ऊपर की तरफ आने लगेगा, मॉइस्ट सॉडस्ट के तरफ आने लगेगा। इसका मतलब उसका जो मूवमेंट है वो किसके हिसाब से होगा, मॉइस्चर के हिसाब से होगा, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने लगेगा, ठीक है, ऊपर आने लगेगा। एंड द शूट्स ग्रो अपवर्ड ऑल द टाइम, वो कभी भी हो, आगे के तीन चार दिन देखिए या इसके बाद देखिए, सूट तो हमेशा से ऊपर ही जाएगा, ओके, लेकिन रूट क्या होगा, एक बार के लिए नीचे आएगा अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और वो फिर नीचे आके फिर वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यू टर्न मारेगा टुवर्ड द क्या, मॉइस्ट सॉडस्ट। इससे हमें पता चला है कि रूट ग्रो टुवर्ड वाटर एंड शूट डू नॉट, राइट, ये जो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है रूट, और सूट जो है वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, क्लियर। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पहले नीचे की तरफ जा रहे, देखिए द रेडिकल ग्रोइंग डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फिर कुछ समय बाद आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट के एंड होते टाइम में वो क्या करेगा, यू टर्न करके फिर इसके अंदर जाने का कोशिश करेगा, किसके तरफ, मॉइस्ट सॉडस्ट के तरफ। तो रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, तो इससे हमें पता चलता है कि रूट जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, और सूट जो है नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। फिर है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, वही टच के हिसाब से प्लांट का रेस्पॉन्स करना, ओके, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज नेम्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो क्या होता है थिग्मोट्रॉपिज्म, देखिएगा कुछ जो है जनरली आप जैसे ही छुएंगे किसी भी प्लांट को, आप छुएंगे तो वो एक रेस्पॉन्स देता है आपको, राइट, तो दैट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। सम इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्स आर सीन इन द रेस्पॉन्स टू टच, जैसे कि हम लोग लेते हैं स्वीट पी लेते हैं, या कसकटा ले रहे हैं, या वाइन्स ले रहे हैं, हैव ट्रेंडल्स विच कॉइल्स अराउंड द अदर प्लांट इन रेस्पॉन्स टू वन साइडेड कॉन्टैक्ट और टच, स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय टेंड्रिल टिप्स एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड टू बेसल पार्ट। The tendrils provide a well-known example of thigmotropism. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए tendrils, tendrils में आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ये होता है। तो
तो आप जनरली पहले के जमाने में क्या होता था, ये एक फोन आता था, हैंड फोन जो रहते थे, और उसके तार आप देखिएगा कुछ इस प्रकार ही होते थे ना, हाँ, कॉइल्ड होके। तो वैसे टेंड्रिल्स भी वैसे ही होते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्लाइंबर्स, जो अपने से क्या होता है खड़े नहीं हो पाते, राइट, उनको किसी का सहारा चाहिए होता है, राइट। तो हमेशा आप क्लाइंबर्स वगैरह देखिएगा, ये ग्रीन पी का प्लांट देखिएगा, कसकटा देखिएगा, वो हमेशा किसी दूसरे का सहारा लेके ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है, वो बढ़ते हैं। तो वैसे ही जब एक वो जब दूसरे का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, राइट। मैंने यहाँ पर सपोज बम्बू स्टिक रख दिया, ऐसा कुछ, ठीक है, बम्बू स्टिक रख दिया, और यहाँ पर मैंने स्वीट पी का जो है पेड़ उगाया है, ठीक है। तो ये स्वीट पी क्या करेगा, इसका सहारा लेके, ये बम्बू स्टिक का सहारा लेके अपना आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, ग्रोथ दिखाते जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक टच में आया, ये प्लांट जो है जनरली क्या हुआ, बैम्बू स्टिक के टच में आया, ओके। तो वो क्या करेगा, टेंड्रिल जैसे फॉर्म कर करके वो ग्रोथ दिखाते जाएगा, राइट। तो जनरली यही बोला यहाँ पर जा रहा है, प्लांट्स सच एज स्वीट पी, कसकटा एंड वाइन्स हैव टेंड्रिल्स व्हिच कॉइल अराउंड अदर प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वन साइडेड कॉन्टैक्ट और टच। जैसे आप प्लांट ले लीजिए दूसरा, या फिर एक बम्बू स्टिक ले लीजिए, तो जैसे ही वो बम्बू स्टिक के कांटेक्ट में आएगा ये प्लांट, वो क्या करेगा, वो बम्बू स्टिक के चारों ओर ऐसे कॉयल हो के वो ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। ये जो कॉयल हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेंड्रिल्स, ठीक है, उसको टेंड्रिल्स बोला जाता है। तो स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय टेंड्रिल स्टिप एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड टू बेसल पार्ट, ठीक है। तो वही स्टिमुलस जो है ये टेंड्रिल एक्सेप्ट करता है, परसीव करता है वो स्टिमुलस को जो बम्बू स्टिक से मिल रहा है, फिर ये टेंड्रिल्स क्या करता है, वो स्टिमुलस को किसके तरफ ट्रांसमिट करता है, बेसल पार्ट मतलब नीचे के हिस्से के तरफ वो ट्रांसमिट करता है, उसकी वजह से ग्रोथ दिखाई देता है। द टेंड्रिल्स प्रोवाइड अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, वो जो है नॉर्मली थिग्मोट्रोपिज्म दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म क्या होता है, जो केमिकल केमिकल के रिलीज होने के वजह से जो मूवमेंट दिखा रहे हैं प्लांट, जो उनके तरफ जा रहे हैं उस वो इलाका में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ इज अ फेनोमेनन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रेस्पॉन्स टू केमिकल। केमिकल के रेस्पॉन्स में जब प्लांट अपना ग्रोथ दिखाता है उसी जगह में, दैट इज कॉल्ड एज केमोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म टुवर्ड्स सुगर एंड पेप्टोन सीक्रेटेड बाय नेक कैनाल सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा होगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स आप पढ़े होंगे क्लास 9 में फ्लावर के चैप्टर्स में, कि किस तरीके से जो है अंदर उनका क्या होता है, पॉलिनेशन होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है, पहले पॉलिनेशन होता है फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ऑव्यूल्स में होता है, पॉलन ग्रेन का आना होता है, कहाँ से, पॉलन ट्यूब से होते हुए आता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि पॉलन ट्यूब का मूवमेंट भी जो है इस प्रकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किनारे में क्या होता है, ये किनारे जगह में आप देखोगे नेक्स्ट सेल के किनारे में केमिकल रिलीज होता है जिसको बोला जाता है क्या, शुगर एंड पेप्टोन, इसीलिए वो वही डिरेक्शन में आते हैं, ठीक है, वही डिरेक्शन में आ रहे हैं, शुगर एंड पेप्टोन जहां रिलीज हो रहा है, नहीं तो वो क्या करते, कहीं और दूसरे जगह में से भी जा सकते थे, लेकिन वो केमिकल की तरफ आना चाह रहे हैं, इसलिए आप देखिए पॉलन ट्यूब का जो रास्ता है, पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा शुगर एंड पेप्टोन रहते हैं, राइट। तो द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म टुवर्ड शुगर्स एंड पेप्टोन सीक्रेटेड बाय नेक कैनाल सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। एक और भी उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये तो आपने देखा ही होगा, हाँ, या फिर सुना होगा इसके बारे में, क्या है ये, ड्रोसेरा है, ठीक है, ड्रोसेरा एक कार्निवोर प्लांट है, ठीक है, कार्निवोर मतलब तो जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका एक जो होता है दैट इज व्हाट इज दैट कॉल्ड एज टेंटिकल्स, ठीक है, जो अच्छा से आपको दिख रहा है ना, सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव है, ओके, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, टेंटिकल्स, ओके। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना वो बहुत मतलब खूबसूरत दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है, और सोचते हैं सारे इंसेक्ट्स वगैरह सोचते हैं कि हम यहाँ पर आके बैठेंगे तो हमें कुछ खाने को मिलेगा, आज तो पार्टी है हमारा करके, ओके। तो वो सारे इंसेक्ट जो है उसके उनके तरफ खींचे आ जाते हैं, किसके तरफ, ड्रोसेरा की तरफ। तो जैसे ही इंसेक्ट उनके टेंटिकल्स पे बैठते हैं तो ये ड्रोसेरा क्या होता है, एक केमिकल चेंज उनको महसूस होता है जिसके वजह से उनको पता चल जाता है कि हाँ हमारे ऊपर जो है इंसेक्ट्स आके बैठे हुए। तो वो क्या करते हैं, फिर जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठ जाता है
तो वो अपने टेंटेकल्स को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जिससे वो इंसेक्ट्स क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। और फिर जो इंसेक्ट सोचता है कि आज मेरा पार्टी है, वो सोचते हैं कि आज उनका पार्टी तो नहीं है, आज हमारा पार्टी बन चुका है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट सोच रहे हैं ना, आज तो अच्छे से हमें जो है अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव चीजें या स्वीट चीजें खाने को मिलेगा या कुछ, वो गलत। मिल रहा है खाना किनको, ड्रोसेरा को। ड्रोसेरा जो है खुश हो जाते हैं कि हाँ आज हमें इंसेक्ट का पार्टी मिलेगा करके। ठीक है, इंसेक्ट का पार्टी आज जो है हम मनाएंगे। तो जितने भी इंसेक्ट्स आके ये टेंटेकल्स पे बैठते हैं, तो ये टेंटेकल्स क्या करता है, वो एक केमिकल जो है चेंज उनको महसूस होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो वो भी एक तरीके का केमोट्रॉपिज्म ही है, केमिकल के तरफ जो है जनरली वो क्या करना, केमिकल चेंज होने के वजह या इसके वजह से ये ग्रोथ दिखाई देना। ओके, तो ड्रोसेरा इस तरीके से अपना ग्रोथ दिखाता है, राइट। तो द मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा टुवर्ड द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज अनदर केमोट्रॉपिक फेनोमेना। वो उसी तरफ जो है अपना टेंटिकल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ये तो था नॉर्मली 5 प्रकार के प्रिंसिपल ट्रॉपिक मूवमेंट। एक और है हेलियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो हेलियोट्रॉपिज्म क्या होता है, वो सनफ्लावर दिखाता है। हमेशा याद रखना, हम लोग बचपन के टाइम में पढ़े होंगे कि सनफ्लावर का मुंह जो है सन के तरफ होता है। तो कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा होता है? ओके, तो वही है उसका रीजन, हेलियोट्रॉपिज्म। इट्स एन जस्ट अ ट्रॉपिक मूवमेंट जहां पर सनफ्लावर जो है क्या करता है, अर्थ सन के तरफ जो है उसका चेहरा हमेशा किए हुए रहता है, क्योंकि सनफ्लावर कंटेन ऑक्सिन विच आर सेंसिटिव टू सनलाइट। हमने ये हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, पहला हॉर्मोन है ग्रोथ स्टिमुलेंट हॉर्मोन है, और वो हमेशा क्या होता है, सनलाइट से काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है। तो वो एज अ रिजल्ट दे माइग्रेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट बाथर्ड इन सनलाइट टू द शेडेड रीजन ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जगह बदल देना चाहते हैं, जहां पर सनलाइट नहीं गिरता है वहां पर जाके वो एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, जहां पर सनलाइट नहीं गिर रहा है, जहां पर जो है शेडेड रीजन है, वहां पर जाके वो एक्यूमुलेट होते हैं। और हमें पता है कि जहां पर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा, ऑब्वियसली वहां पर ग्रोथ आपको नजर आएगा। ऑक्सीजन इवेंचुअली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल इन द शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन में जाके वो कंसंट्रेट हो चुके हैं, तो अब वो शेडेड रीजन में कंसंट्रेट हो गए जहां पर सनलाइट नहीं गिर रहा है, तो वहां पर जनरली क्या होता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। सो दैट द फ्लावर एंड अप बेंडिंग इन द ओपोजिट डिरेक्शन। इसके वजह से क्या होता है, वो ऑपोजिट डिरेक्शन में बेंड होने लगता है। ठीक है, तो दैट इज टुवर्ड द सन। तो इसी हिसाब से हेलियोट्रॉपिज्म हो रहा है, वो एक बोनस चीज है, राइट। ये प्रिंसिपल आपके ये में नहीं है, ओके, प्रिंसिपल ट्रॉपिक मूवमेंट में नहीं, ये एक जो है बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिया गया, राइट। तो दैट इज हेलियोट्रॉपिज्म फॉर यू। और ये देख सकते हो आप किस तरीके से जो सनफ्लावर अपने सन के तरफ मुंह कर रखा है, ओके। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हेलियोट्रॉपिज्म। और ये चैप्टर में कुछ नहीं है, हमने सब खत्म कर दिया है, ओके। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा हमने, प्लस पहले हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा, ओके। तो कुछ भी डाउट्स होगा तो आप ये पूछ लीजिएगा मुझे, ओके, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों आप पूछ सकते हैं। और फिर आई विल डिस्कस यू विद ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स, ओके, ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।